बीते 3 दिनों के अवकाश के बाद मंगलवार आनंद नगर स्थित कपास मंडी में सफेद सोने की बंपर आवक रही। बड़ी संख्या में किसान बैलगाड़ी और वाहनों से कपास उपज लेकर मंडी पहुंचे थे। सुबह से ही किसानों का मंडी में आने का सिलसिला शुरू हो गया, दोपहर होने तक जारी रहा। हालांकि खरीदी भावों को लेकर किसान मायूस नजर आए। व्यापारियों ने 4500 से 7000 के बीच खरीदी की, जबकि किसानों का कहना था कि कम से कम 8000 रुपए दाम मिलना चाहिए, जिससे लागत मूल्य निकल सके। वहीं व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल कपास नमीयुक्त आ रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग कमजोर है, जिससे भावों में फिलहाल उछाल संभव नहीं। मंडी सचिव ने बताया कि मंगलवार को 125 बैलगाड़ी जबकि 875 वाहनों से कपास की आवक हुई है। भावों में भी गत दिनों के मुकाबले अंतर है। फिलहाल मौसम साफ होने से आवक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमारा 4500 से 7500 का 7000 के ऊपर से बिक रहा है अच्छा कपास है जी। आज भाव कम रहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट डाउन है, आज मौसर भी काफी है कपास में, है ना, मौसर काफी होने के कारण जो है भाव कम है। कितने वाहन है? हमारे 800 वाहन है, करीब 800-900 वाहन। आगे भाव बढ़ने की उम्मीद है कोई? फिलहाल तो कुछ नहीं, मौसर आ रहा है ना अभी, और इंटरनेशनल मार्केट डाउन है, कॉटन का मार्केट जो है डाउन है, इसी भाव यही भाव चल रहा है, इससे घटने की उम्मीद भी कम है। परमानंद गोयल माल हूँ, होम डिलीवरी का रहने वाला हूँ। क्या भाव मिले आप? भाव तो मिल रहा अभी 5000 के लगभग मिल रहा, पर जो अगले साल भाव था जो 8000 का चल रहा था, इस साल भाव नहीं मिल पाया रहा और इससे फसल आदि खत्म हो गई। मतलब 30000 एकड़ का खर्चा उसमें है, बाकी आधी फसल मिल रही 15000 मिल रहे ना, इसे हम सोचते तो नहीं है। बाकी खराब आधी फसल खराब हो गई ना, जो 25 क्विंटल निकलता था एक एकड़ में, वो 12 भी निकल रहा ना, भाव भी कम मिले। अगले साल 8000 का चल रहा है, इस साल 5000 में 3 में 4 चल रहा है। क्या नाम है आपका? भीम सिंह निंगवाल, रोम जी जी। आर्थ यादव है, मैं राम बहरामपुर टेमा रहता हूँ। आज कपास लेके आया हूँ मैं गांव से मेरे, आज भारी संख्या में वाहन आए, बारिश में भारी नुकसान हुआ हम लोगों को, फिर भी आज मंडी 5 से 7000 की चल रही। हमारी मांग है कपास 8000 से ऊपर बिकना चाहिए, जिससे कि किसान को उनकी लागत और सारी चीजें मिले। बीज भाव और इनके बहुत कर्ज बढ़ चुके हैं, और आज आप देख रहे हो किस हिसाब से मंडी चल रही है, और मिलना चाहिए किसानों को इससे, और कपास का भाव 8000 से ऊपर रहना चाहिए। आज क्या भाव बिका आपका? आज मेरा कपास बिका 5000 का। ये माल 8000 का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार यादव है, तुषार बालकृष्ण यादव, मैं टेमा बहरामपुर रहता हूँ। 875-80 के करीब वाहन हो गए हैं, अभी आवक जारी है, और 150 से ऊपर बैलगाड़ियाँ हो गई है, और 2 दिन की छुट्टी के बाद में आवक बढ़ी है, निश्चित आवक बढ़ी है, और भाव भी लास्ट जो पिछले सप्ताह में जो भाव थे 400-500 रुपए का, उसमें भी ग्रोथ हुई है, 7100 तक ऊंचे में बिक रहा है माल, अच्छी क्वालिटी का। बैलगाड़ियाँ सभी बिक चुकी है, और किसानों को हाँ थोड़ा सा लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो वो तो बात है कहीं ना कहीं, फिर भी क्योंकि लास्ट ईयर जो भाव थे 9000-10000, वो तो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कारण क्या है कि ऊपर भी इसकी डिमांड के ऊपर भाव डिसाइड होते हैं सारी चीजें। आगे क्या उम्मीद है? मौसम अगर यही रहा तो आवक निश्चित तौर से बढ़ेगी, भाव भी इससे थोड़ा सा और तेज होने की उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि नमी जहाँ गिरेगी भाव में तेजी स्वाभाविक है, सीधा नमी से इसका कनेक्ट है। लक्ष्मण सिंह ठाकुर, मंडी सचिव, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।